नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके पाठशाला में। दोस्तों आज वीडियो नंबर 7 में हम बात करेंगे समानता की अवधारणा के बारे में। तो ये नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद समानता और इसके बाद हम लेंगे न्याय। तो समानता की अवधारणा यानी अर्थ और परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले इसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर समानता की प्रथम अभिव्यक्ति है वो 1789 की फ्रेंच क्रांति, जो फ्रांसीसी क्रांति है वो मानी जाती है। तो फ्रांसीसी क्रांति जो रूसो के विचारों से प्रभावित थी, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति का तो मुख्य नारा यही था समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व या भ्रातृत्व। तो रूसो के विचारों से ये क्रांति क्या थी, प्रभावित थी। तो यह क्रांति प्रथम वर्ग की सबसे बड़ी जीत मानी जाती है। इसके तीन नारों में पहला नारा समानता ही है और आधुनिक राजनीति शास्त्र में समानता के सिद्धांत का पहला प्रतिपादक है वो जॉन लॉक को माना जाता है। देखो पहला यानी समानता, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व जो हमने बात करी कि ये फ्रांसीसी क्रांति है वो रूसो के विचारों से क्या थी, प्रभावित थी, जो फ्रेंच क्रांति, क्योंकि नेपोलियन बोनापार्ट ये कहता था कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती। एक खतन आता है नेपोलियन बोनापार्ट का कि अगर रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति भी नहीं होती। और आधुनिक अगर बात करें राजनीति शास्त्र में तो किसको पहला प्रतिपादक माना जाता है, वो माना जाता है जॉन लॉक को। जॉन लॉक ये कहता है कि प्रकृति का सर्वोच्च स्वामी सर्वगामी ईश्वर है जिसने सभी मनुष्यों को जन्म से ही क्या बनाया है, समान। देखो यहाँ समान के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है कि जन्म से ही सबको क्या है, समान बनाया गया है। और 1789 की फ्रेंच क्रांति में जो अधिकार पत्र जारी हुआ है उसमें लिखा गया कि अधिकार और मर्यादा में सभी लोग जन्म से समान और स्वतंत्र है। तो समानता की अवधारणा की अगर हम बात करें तो इसका मूल उद्देश्य ये मानते हैं कि प्रकृति ने क्या है, सभी मनुष्य को जन्म से समान उत्पन्न किया है। तो ये जो असमानता का निर्माण है ये तो मानव के द्वारा हुआ है, यानी मानव निर्मित जो परिस्थितियां हैं उनके कारण ये असमानता उत्पन्न होती है, जबकि प्रकृति ने तो सबको क्या है, एक समान बनाया है। तो लॉस की महोदय देखो क्या कहते हैं, लॉस की महोदय कहते हैं समानता समतल करने की प्रक्रिया है। समतल मतलब एक लेवल में लाने की प्रक्रिया, एक समानता का मतलब ही ये सब समतल मतलब एक फिक्स लेवल में रहे। लेकिन इन्होंने देखे नीचे इस चीज़ को स्पष्ट भी किया है कि समानता का अर्थ ये नहीं कि हर व्यक्ति के साथ समान व्यवहार हो या हर व्यक्ति को समान वेतन मिले। यदि ईंट ढोने वाले मजदूर को वैज्ञानिक के बराबर वेतन दिया जाएगा तो समाज की मूल धारणा ही समाप्त हो जाएगी। समानता का सही अर्थ यह है कि विशेष अधिकार वाला वर्ग नहीं हो, यानी किसी भी वर्ग को कोई विशेष अधिकार ना हो और सभी को उन्नति का समान अवसर मिले। यानी कहने का मतलब है कि समानता का कोई निश्चित अर्थ नहीं बताया जा सकता। समानता का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति है उनको विकास के लिए क्या है, समान अवसर उपलब्ध हो। बस सीधा सा मतलब इसका यही है, समानता का मतलब है सबको समान अवसर उपलब्ध हो। समान अवसर सबको क्या होंगे, उपलब्ध होंगे, वही क्या है, समानता है। क्योंकि अगर सबको समान अवसर उपलब्ध होंगे तो जो व्यक्तित्व के मार्ग को अवरुद्ध करने वाली बाधाएं हैं उनको क्या है, दूर किया जा सकता है। राजनीति शास्त्र की अन्य अवधारणाओं को परिभाषित करना उतना कठिन नहीं है जितना समानता की अवधारणा को परिभाषित करना है। देखो इन्होंने तो एकदम साफ कह दिया कि बड़ी क्लिष्ट अवधारणा है ये, इसको स्पष्ट करना इतना आसान नहीं है। बारकर महोदय ये कहते हैं कि समानता एक बहुरूपिया विचार है जो आसानी से अपना रूप बदलकर नया रूप ले लेता है। देखो समानता के इससे पहले भी हमने 7-8 वीडियो पढ़ रखे हैं समानता और स्वतंत्रता के, उन सब का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा प्लेलिस्ट का, वहां से आप सीधे डायरेक्ट भी देख सकते हो। तो समानता डेविड है यहाँ, डेविड स्प्रिट्स, समानता का तकाजा ये है कि सही स्थान पर सही व्यक्ति होना। तो बारकर महोदय की एक बुक भी थोड़ा ध्यान रख लेना, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल
एंड पॉलिटिकल थ्योरी। तो ये बारकर महोदय की बुक है। यहाँ अगर हम समानता की थोड़ी और डिटेल से बात करें तो समाज में सभी व्यक्तियों को देखो समान किए जाने की जो अवधारणा है वो संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति ने भी क्या है सभी लोगों को शारीरिक और मानसिक रूप से समान नहीं बनाया, सबको अलग अलग योग्यताएं दी है। भाई इसमें एक प्राकृतिक समानता का सिद्धांत आता है कि प्रकृति ने सभी मनुष्य को समान बनाया, इसलिए क्या है सब मनुष्यों में भेदभाव किया जाना उचित नहीं है। समानता के जो प्राकृतिक सिद्धांत को अस्वीकार इसीलिए किया गया क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समान नहीं है, सबकी योग्यताएं हैं वो अलग अलग है, किसी का शरीर अलग है, किसी का बल अलग है, तो प्राकृतिक रूप से हम सभी मनुष्य को समान नहीं कह सकते। और प्रकृति ने जब सभी को समान बनाया है तो इसका अर्थ ये नहीं कि सभी प्राकृतिक दृष्टि से ही समान है तो सबको एक जैसे हम आंकें, ये नहीं है। मतलब समानता का मूल मतलब यही है कि सबको समान अधिकार मिले ताकि वो अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। तो यहाँ समानता के रूपों की अगर बात करें तो दो रूप आते हैं हमारे सामने, एक नकारात्मक और एक सकारात्मक रूप। तो नकारात्मक समानता देखो क्या कहती है कि जाति, धर्म, लिंग, वंश और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं चाहिए। विशेष अधिकारों का न होना ही क्या है समानता है, और समानता का अर्थ समाज में भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये तो है नकारात्मक समानता कि जाति, धर्म, लिंग, वंश और क्षेत्र के आधार पर भेदभाव नहीं चाहिए। विशेष अधिकारों का न होना भी क्या है समानता है, ये तो सब क्या है नकारात्मक समानता की जो चीज़ें हैं वो है। अब बात करते हैं सकारात्मक समानता की, क्योंकि ज़्यादातर जो विचारक है वो सकारात्मक समानता की क्या है समर्थक हैं। यहाँ रूसो की एक पुस्तक आती है, रूसो ने अपनी पुस्तक डिस्कोर्सेस ऑन ओरिजिन ऑफ अनइक्वलिटी में लिखा है कि समाज में दो प्रकार की विषमताएं होती है। तो इसके बारे में हमने पहले पढ़ रखा है रूसो के समानता संबंधी विचार। तो पहली आती है इसमें प्राकृतिक विषमता, कि प्राकृतिक विषमता अपरिवर्तनशील होती है क्योंकि ये तो प्रकृति की देन है, ये प्रकृति प्रदत्त है। ये प्रकृति प्रदत्त होने का मतलब ये है कि व्यक्तियों के बीच प्रकृति द्वारा दी गई जो असमानता है वो है। इसे न तो मनुष्य ने बनाया है और न ही इसे बदला जा सकता है। और जैसे स्वास्थ्य, सौंदर्य, आयु, रंग, रूप, ये सब क्या है प्राकृतिक असमानता। ये जो रूसो है इस असमानता को अनुचित नहीं मानता, क्योंकि रूस के अनुसार इस असमानता को दूर भी नहीं किया जा सकता, इसलिए ये जो प्राकृतिक विषमता वाली जो है चीज़ वो क्या है औचित्यपूर्ण है, रूस इसको क्या बताता है सही बताता है। फिर जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है परंपरागत विषमता, कि ऐसी विषमताएं किसकी उपज है समाज की उपज है, अतः इसमें परिवर्तन और बदलाव हो सकता है, जैसे धन है, संपत्ति है, पद, प्रतिष्ठा, पुरस्कार इत्यादि। तो इसमें क्या है जो रूसो है विभिन्न व्यक्तियों में जो की जाने वाली उस असमानता को शामिल करता है जो प्रकृति प्रदत्त नहीं है। ये जो ऊपर वाली चीज़ें हैं सब प्रकृति प्रदत्त हैं और ये चीज़ें प्रकृति प्रदत्त नहीं है, ये मानव द्वारा उत्पन्न की गई हैं सारी चीज़ें। मानव द्वारा जो प्राकृतिक असमानता के आधार पर परंपरागत असमानता को औचित्यपूर्ण ठहराने का जो प्रयास किया जाता है वो निंदनीय है। मनुष्य ये कहे कि प्रकृति ने भी हमें क्या है असमानताएं दी है, सबको समान नहीं किया है, तो हम क्यों समान रखें सबको, तो ये चीज़ क्या है निंदनीय। सकारात्मक समता जो समानता है वो ये कहती है कि सभी को अपने गुण है, क्षमता है, उसके अनुसार अवसर मिलने चाहिए। भाई सबकी क्षमताएं हैं वो क्या है अलग अलग हैं, तो उसके अनुसार सबको क्या है अवसर मिलने चाहिए। भाई त्वचा का रंग भले ही अलग अलग हो लेकिन जो खून का रंग है वो तो क्या है सबका समान है। रक्त और नेत्र का दान जीवनदायी होता है, अतः सभी मनुष्य के जीवन की कीमत भी क्या है बराबर है। तो मनुष्य की जो मानसिक और शारीरिक क्षमताएँ, बनावट, रंग, रूप अलग अलग हो सकता है, लेकिन शारीरिक एवं मानसिक आवश्यकताएं क्या होती हैं एक समान ही होती है। तो इन्होंने सब
दोनों चीज़ों के ऊपर पूरा डिफ्रेंशिएट किया है। तो अब देखते हैं आगे स्वतंत्रता के विविध आयाम। समानता के विविध आयाम देखते हैं। समानता के विविध आयामों की बात करें तो एक आती है औपचारिक समानता, एक आती है तात्विक समानता। देखो औपचारिक मतलब फॉर्मेलिटी, यानी बिना किसी भेदभाव के समानता है वो है औपचारिक है, और तात्विक का मतलब होता है असमानताओं को कम करने का प्रयास होता है वो तात्विक में आता है। तो इसमें आती है कानूनी और राजनीतिक, इसमें आती है आर्थिक और सामाजिक। तो औपचारिक समानता में सबसे पहले देख रहे हैं कानूनी समानता। कानूनी समानता का मतलब है कि विधि के समक्ष सब समान है, विधि का समान संरक्षण अर्थात कानून सबको समान सुरक्षा प्रदान करें। मनुस्मृति में मनु ने शूद्र के लिए और राजनीति में अरस्तु ने एक ही अपराध होने पर ब्राह्मण को शूद्र से अधिक और स्वामी को दास से अधिक दंड देने की बात कही है। वो वाली चीज़ें अब नहीं होंगी, यानी सबको अब क्या है समान संरक्षण है। अब है राजनीतिक समानता। राज्य के नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मताधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, विजयी होने पर सरकारी पद का अधिकार और सरकार की आलोचना करने का अधिकार दिया है। भाई कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है, किसी को भी आप वोट डाल सकते हो, सब आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड है। अब दूसरी आती है यहाँ तात्विक समानता। तो उसमें एक तो आती है आर्थिक समानता। तो आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक समानता एक क्या है भ्रम मात्र है। ये किसने कहा है CEM जॉर्ज ने। आर्थिक समानता हेतु नागरिकों को अपनी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर मिले। न्यूनतम आवश्यकता है रोटी कपड़ा और मकान। उत्पादन तथा वितरण के साधनों पर सभी वर्गों का अधिकार हो। उत्पादन और वितरण, उचित कार्य के लिए उचित पारिश्रमिक और आर्थिक सुरक्षा। तो उचित कार्य के लिए उचित पारिश्रमिक, ये जो जो कल्पनाएँ हैं वो जो समाजवाद साम्यवाद ये सब अपने हिसाब से अलग अलग इनके परिकल्पनाएँ करते हैं। रूसो कहता है कि समाज जो सरकार की नीति ऐसी होगी न तो अमीरों की संख्या बढ़े और न ही क्या है भिखारियों की संख्या बढ़े, यानी दोनों की संख्या जैसी है वैसे ही रहे। तो ये जो यहाँ हम बात करें उचित कार्य के लिए उचित पारिश्रमिक, तो जो समाजवाद है वो इसके बारे में ये कहता है कि योग्यता अनुसार काम होना चाहिए और काम के अनुसार ही क्या होना चाहिए प्राप्त होना चाहिए। और साम्यवाद ये कहता है कि योग्यता अनुसार काम और उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुसार प्राप्त। तो आर्थिक समानता हो गई। अब बात करते हैं सामाजिक समानता। अमेरिका में अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को समाप्त किया। भारत में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा दलित उत्थान तथा दलितों के संरक्षण का कार्य किया गया। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला द्वारा अश्वेत लोगों को दिलाए गए अधिकार समानता का उदाहरण है। सामाजिक समानता इस बात पर बल देती है कि अधिकार पद पुरस्कार इत्यादि देते समय जाति धर्म लिंग वंश के महत्व को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए। तात्विक समानता में आर्थिक और सामाजिक समानता को अधिक महत्व मिलने के कारण लोक कल्याणकारी राज्य और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं को क्या मिला है प्रोत्साहन मिला है। क्योंकि किसको तात्विक जो आर्थिक समानता और सामाजिक समानता को ज़्यादा महत्व दिया गया है। अब भेदभाव का तर्क संगत आधार क्या है। सकारात्मक समानता है वो ऐसे भेदभाव को स्वीकार करती है जो समानता की पुष्टि करते हैं हनन नहीं। इसके लिए निम्नलिखित युक्ति संगत अधिकार हैं, जैसे वयस्क होने पर सभी को मताधिकार का अधिकार मिले लेकिन और पागल एवं संकी व्यक्ति को नहीं। वही सबको है लेकिन इनको नहीं मिलना चाहिए। रोजगार वितरण में रंग जाति और रूप के आधार पर चयन गलत है, क्योंकि रंग जाति और रूप रोजगार क्षमता पर प्रभाव नहीं डालते। मुक्त प्रतिस्पर्धा में दुर्बल वर्ग को छूट होना भारतीय संविधान में अनुच्छेद 15(4), 15(5), 16(4) इत्यादि में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से दुर्बल वर्ग को विशेष रियायत देने का प्रावधान किया गया है। तो समाज को ये सब समान लाने के लिए ये सारे प्रावधान ये जो हैं वो किए गए। तो इसके जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे समानता और स्वतंत्रता का संबंध क्या है उसके बारे में। तो वीडियो अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करें और चैनल के ऊपर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।